2019 के लिए पीएम मोदी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, सवर्णों को 10% आरक्षण के फैसले पर मोहर लगाकर 2019 का मैदान तैयार कर लिया है। दरअसल माना यह जा रहा था कि SC ST एक्ट के फैसले के बाद बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाला सवर्ण वोट खिसक रहा था, मगर मोदी ने एक चुनावी चाल से दो समीकरण साध लिए। सवर्णों को अपने पाले में करने का प्लान तैयार कर लिया और दूसरा विपक्ष को भी चारों खाने चित्त कर दिया। अब विपक्ष के लिए दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के इस दांव पर रिएक्ट किस तरह से किया जाए, क्योंकि चुनावी सीजन में सवर्णों की मुखालफत भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये कि क्या 10 का गणित 2019 में पूरा गेम चेंज कर देगा? सवर्ण आरक्षण के दांव से सरकार ने सत्ता आरक्षित कर ली है, साथ ही सवाल ये भी कि विपक्ष सरकार के सवर्ण साध की काट क्या खोजेगा। मेहमानों के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आज की ये जो बड़ी खबर है उस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे बड़े दंगल के लिए सबसे बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जो चुनाव में बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। सवर्ण आरक्षण 19 के बिसात पर बिखरते परंपरागत वोटों को बांधने की सबसे बड़ी चाल। सवर्ण आरक्षण ऐसा ऐतिहासिक कदम जो 30 साल से सियासत की बंद मुट्ठी में था। सवर्ण आरक्षण ऐसा वोट बैंक जिसकी तख्ता पलट ताकत हाल ही में 3 राज्यों ने देखी। तो क्या 2019 में इसी सवर्ण आरक्षण के आसरे सत्ता आरक्षित करने की तैयारी हो गई है? अच्छा फैसला है और निश्चित रूप से इसकी काफी पहले से मांग चल रही थी, कोई नहीं दे पा रहा था, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देश के सारे जो सवर्ण है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उनके साथ जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में, उनको रिजर्वेशन दिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार ने सवर्ण आरक्षण का दाव गरीबों पर खेला है, अब जरा जातिगत आधार पर गरीबों के आंकड़े समझिए। अनुसूचित जाति में 65.8%, अनुसूचित जनजाति में 81.4%, पिछड़ा वर्ग में 58.3% और सवर्णों में 33.3% लोग गरीब हैं। यानी इस फैसले से सरकार इस 33.3% लोगों को टारगेट कर रही है, जो एक अच्छी खासी संख्या है। हालांकि आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण की बात हर राजनीतिक दल उठाता रहा, लेकिन कदम उठाने को लेकर हर दल ने परहेज भी किया, क्योंकि डर अपने कोर वोट बैंक के खिसक जाने का होता है। मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष के लिए स्थिति थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल सरकार के इस दाव के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। ऐसे में सरकार के इस फैसले को सही समय पर खेला गया सटीक दाव माना जा रहा है। विपक्ष सवर्णों को आरक्षण को लेकर तो सवाल नहीं उठा रहा, मगर सरकार की मंशा को लेकर सवालों की बौछार जरूर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। अगर ये किया है फैसला तो सबको मूर्ख बनाने की बात जानते हैं, 50% ज्यादा आरक्षण होने चाहिए। संवैधानिक संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करें, कैसे हो जाएगा संविधान में संशोधन? अब मौसम चुनावी है, लिहाजा सरकार के हर फैसले में सियासी रंग तो चढ़ेगा ही। हालांकि ये भी सच है कि सवर्ण आरक्षण की राह आसान नहीं है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनके अलावा किसी भी अन्य विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले आरक्षण का कुल आंकड़ा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्यों में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 22% की आरक्षण की व्यवस्था है। नहीं लगता कि ये 10% आरक्षण जो सीधे दिया गया है और ये 49 से 59% हो जाएगा, ये कोर्ट के द्वारा वैध माना जाएगा। एक पेज आरक्षण के आंकड़ों के गणित का है तो दूसरा ये भी कि सदन में सियासत का रुख क्या होगा, सदन में ये बिल पास होगा या नहीं, और अगर बिल पास भी हो जाता है तो क्या न्यायपालिका इस पर हामी भरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो तमाम पेच भी हैं विपक्ष की तरफ से जो कि सवालों के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारी जो कोशिश है वो बेहतर है और एक तरीके से सवर्ण वो तबका सवर्णों में जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब है, उसको हम कहीं ना कहीं 10% आरक्षण देंगे। अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ उदयवीर जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, संजय राय हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं SBSP के और बीजेपी के सहयोगी भी हैं उत्तर प्रदेश में। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। संजय राय जी, एक बड़ा कदम माना जा रहा है और आज दिन भर की बड़ी खबर भी है ये कि 10% आरक्षण आप देंगे सवर्णों को, वो जो गरीब आर्थिक रूप से विपन्न है, संपन्न नहीं है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं और ख़ास करके इस फैसले को लेकर के सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है कि 2019 का जब रण सामने है, तीन राज्यों में आप थोड़ा सा आपके लिए सवर्णों की जो नाराज़गी है उसको भी झेलना पड़ा, उसका नतीजा आपके सामने था, लिहाजा ये कदम उस लिहाज से उठाया गया कदम है। देखिए राकेश जी, पहली बात तो यह है कि देश की जनता के लिए रातों दिन पूरे परिश्रम से काम करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने आज बहुत प्रतीक्षित ये मांग थी देश में, सवर्णों में जो लोग गरीब हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, उस मांग को कैबिनेट में आज निर्णय लेकर के उस मांग को पूरा किया, और वह कोई मतलब कि हवा में नहीं पूरा किया बल्कि उसके लिए पूरा होमवर्क करके पूरा किया। होमवर्क में पहला काम क्या है कि एक क्राइटेरिया तय किया कि जो है कि कौन लोग इसमें आएंगे, पूरी तैयारी करके इसको किया। क्राइटेरिया जो है उसमें जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर है, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, या जिनके पास निगम की जमीन में अगर घर है तो कम से कम 100 गज से कम का अगर है, तो इस तरह से एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया। अब दूसरी बात कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आरक्षण पर एक तरह की बाउंडेशन लगाया है, वो बाउंडेशन क्या है कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, और उसके अंतर्गत अभी तक जो OBC और SC ST का आरक्षण है सब जोड़ करके 49.5% होता है, तो इसके लिए जो संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 है सरकार उसमें संशोधन करेगी, और उस संशोधन के लिए आज ही सरकार ने निर्णय ले लिया कि कल हम हाउस में बिल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, और लोकसभा में चूंकि हमारा बहुमत है बिल्कुल पास हो जाएगा, और राज्यसभा में भी इसलिए पास हो जाएगा कि कई बड़े दलों ने इसके समर्थन का, इस बिल के समर्थन की घोषणा किया है, ठीक है, कि हम इसको जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में समर्थन करेंगे, ठीक है, तो इसलिए पूरी तैयारी सरकार इस आरक्षण को जो सरकारी नौकरी में 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए पूरी तैयारी करके आई है, कोई हवा में नहीं इसको लाया गया है बल्कि इसको कंप्लीट लागू करने के लिए और संसद सत्र में लागू हो जाए, ठीक है। उदयवीर जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, रामगोपाल यादव जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे एक शिगुफा है, आपके अभी नए नए सहयोगी बने, महागठबंधन में एक बड़ा धड़ा है BSP का, वो भी कह रहा है, उसके जो सांसद हैं
सतीश चंद्र मिश्रा, वो भी कह रहे हैं कि ये तो देखते रहिए, तो जुमला भर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। संजय जी ने बता दिया क्या हमने तैयारी की है, ऐसा नहीं कि सारा मामला हवा हवाई है। आपको क्यों लगता है कि हवा हवाई है आपके नेताओं को? राय साहब जो बात कह रहे हैं वो इस तरह की है कि आपको सड़क पे चलना है और आप हवाई जहाज की बातें करें। सवाल ये नहीं है महत्वपूर्ण कि आपने मानक क्या तय किए हैं, सवाल ये महत्वपूर्ण है कि जो बिल आप लेके आ रहे हैं सदन के अंदर, क्या उसको पास कराने का बहुमत आपके पास है? और यदि आप सहयोग करेंगे ना उनको, आप अगर निर्णय लेने आपका स्टैंड है क्या, ये भी क्लियर कर दीजिए ना। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ नहीं पूरी पूरी बात वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि इस लाइन पर कोई एतराज नहीं है। एक लाइन में आपका, मैं एक लाइन में स्टैंड क्लियर कर दूं क्या? हाँ करिए, ज्यादा अच्छी बात है। थोड़ा सुनने का संयम रखिए। राय साहब को बहुत देर आपने बोलने दिया, सारे मानक बोलने दिए, पूरी बात सुनिए पहले। सवाल ये है कि आपने मानक तो तय कर लिए, किसी विपक्ष के दल से, किसी विपक्षी दल से क्या राय मशवरा किया? कल आखिरी दिन सदन में होगा और आप सीधा बिल लेके सदन में आ जाएंगे। ये दिखाता है कि इनकी इस मुद्दे पे कोई सीरियसनेस नहीं है। ये केवल हवा हवाई मुद्दा उठाकर थोड़ा लोगों के बीच हलचल पैदा करना। उदयवीर जी, उदयवीर तरह की हलचल पहले उन्होंने SC ST, मैं अंतिम लाइन में अपनी राय दूंगा। नहीं सर, अपनी बात खत्म करने के बाद अपनी राय इस पे अंतिम लाइन में दूंगा। अंतिम नहीं तो बहुत लंबा मत कीजिए ना, बाकी गेस्ट भी हैं। अंतिम राय बाकी गेस्ट भी हैं। हाँ बोलिए। लंबा नहीं, अरे यार हद कर रहे हैं आप। जो सामने वाला, आप बोलने नहीं देना चाहते, बीच में बोलने लग जाते हैं। अरे सर, खत्म हो जाती है सर। आप सवाल ये है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप टू द पॉइंट बात करिए ना सर, टू द पॉइंट बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। टू द पॉइंट कूल सर, आराम से। आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, टू द पॉइंट वो है जो मैं कहूंगा। बात ये है, आप इससे पहले पिछड़ों को बांटने का बिल लाए थे, वो कहाँ गया? उससे पहले दलितों को और पिछड़ों को बांटने का बिल लाए, वो कहाँ गया? तो सवाल ये है, हम इस रिजर्वेशन को गरीबों को देने के पक्ष में हैं, गरीब सारे गरीब, लेकिन उससे पहले जो इस तरह के बिल लाए गए वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आपको क्योंकि न जनगणना के जात के आधार पे आंकड़े हैं। सुन लीजिए पूरी बात, खत्म होने दीजिए। न जनगणना ने आंकड़े जाहिर किए, न इनके पास कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। हमारी मांग है, हमारी पार्टी की डिमांड है, पहले जाति जनगणना जो आपने की है उसके आंकड़े रखिए, सब जातियों को उनके प्रतिशत के हिसाब से उनके अनुपात में हिस्सेदारी दीजिए, और गरीबों के लिए, आप सारे गरीबों के लिए अलग से। अरुण राजभर, हो गया आपका। लेकिन आप खाली अरुण राजभर नाटक करना, अरुण राजभर तो हम आपके से बिल्कुल अपनी। अरुण राजभर, क्या उदयवीर जी ने जो बातें कही उस लाइन को आप भी अंडरलाइन करेंगे, उन्हीं बातों पर चलेंगे, या आप सहयोगी भी हैं बीजेपी के, और बीजेपी के इस लाइन को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो 10% आरक्षण देने की बात है ये वास्तव में हवा हवाई है? जो बात संजय राय बता रहे हैं उसमें कहीं कोई दम नहीं है? ऐसे ही सरकार ने फैसला ले लिया? देखिए, ये देश जानता है कि देश संविधान से चलता है, और संविधान में एक कोटा निर्धारित किया है कि 50% से ऊपर आप आरक्षण किसी को नहीं दे सकते हैं। और जब तक संविधान में संशोधन न किया जाए, संशोधन करने के लिए लोकसभा बना हुआ है, राज्यसभा बना हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति जी के यहाँ जाएगा अनुमोदन होने के लिए। अब अरुण जी, अरुण जी कल ही संशोधन की बिल आ रही है, कल ही संशोधन का। संजय राय सुनिए एक मिनट, संजय राय सुनिए तो पहले पूरी हो, संजय राय सुनिए, बोलना शुरू कर। अरुण राजभर बोलिए। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वास्तव में सवर्णों को हिस्सेदारी देने की बात अगर कर रहे हैं तो 4.5 साल पहले ये सर्वेक्षण करा लिए होते, उसके बाद पता चल जाता कि ये गरीब नहीं है। ठीक है, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, गुप्ता, चौरसिया, माने ब्राह्मण से लेके मुसहर तक, ठीक, उसके बेटा बेटी भी गरीब है। ये पॉइंट है, आरक्षण की लाभ कैसे मिलेगा, यह बातें ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से रामविलास पासवान को आरक्षण की क्या जरूरत है, जो IAS हो गया, जो डॉक्टर हो गया, जो मास्टर हो गया, जो चपरासी हो, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? जब ये लोग आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे गरीब को कैसे मिल सकता है? पहले ये लोग अपना आरक्षण छोड़े, बिल्कुल, तब गरीब के बारे में सोचे। यह
जिस तरीके से यह बात कर रहे हैं कि 10% आरक्षण हम देंगे सवर्णों को एससी एसटी एक्ट से, जो सवर्ण नाराज है, तीन राज्यों में हार का जो सामना करना पड़ा है, इससे यह समझ में आ गया है कि सवर्ण नाराज है, उसको खुश करने के लिए 10% आरक्षण दे दो। लेकिन ये तो जानते हैं, सवर्ण भी जानता है, ये भी जानते हैं कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इस पास नहीं हो पाएगा, उसके बाद हम यह दिखा करके 19 का वोट ले लेंगे। ठीक है संजय राय, संजय राय यह सिर्फ जुमले का एक नजीर नहीं होगा, तो तुम्हारे घर बिल लेके आएंगे, पहले से बिल लेकर आओ, उसके बाद आर्थिक आधार पर सभी वर्गों को आरक्षण दो, देश का हर एक नागरिक आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अरुण राजभर आपको लेना होगा, अरुण राजभर से सहमति लेनी होगी, कौन सा इस बीच में अरुण राजभर जरा सुनिए, चलिए कितना भाषण इनका कराएंगे। नहीं संजय राय, संजय राय आपसे रिक्वेस्ट है सर, कितना भाषण इनका कराएंगे। नहीं नहीं आप सुनिए पहले, एक मिनट सुनिए, आपको बहुत गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आपसे गंभीरता की उम्मीद भी की जाती है और ये उम्मीद किया जाता है कि क्षमता रखिए संजय, एक मिनट संजय राय को मैंने बोला, बातें सही है हाँ, तो अरुण राजभर, अरुण राजभर के कुछ पॉइंट हैं जो कि वाजिब हैं, एक पॉइंट संजय राय, अरुण राजभर एक मिनट रुकिए, अरुण राजभर सुनिए एक मिनट, अरुण राजभर सुनिए एक मिनट, हम संजय राय हम जवाब देंगे। नहीं अरुण जी हो गई आपकी बात ना, सुनिए जवाब सुनिए, संजय राय एक मिनट रुकिए संजय राय प्लीज, दो बात संजय राय, एक मिनट रुकिए पहले आप, एक मिनट रुकिए, हम भी जवाब देंगे, एक मिनट रुकिए, दो और खास मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं, पहले उनका तारुफ करवा दें, आप लोगों की बातचीत जो है वो जो चर्चा बहस चलती रहेगी। हमारे साथ रंजीव साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं जो कि दलित चिंतक हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत। और संजय राय जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक पॉइंट जो अरुण राजभर ने उठाया, मैं उस पॉइंट को आगे लेकर के आगे आपके पास आऊंगा, 4.5 साल का वक्त था, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आपने बहुत आपाधापी में यह कदम उठा लिया, क्योंकि 4.5 साल पहले आप इस प्रोसेस में उतर तो जाते, ये कुछ दिखता तो कि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, वो उस पॉइंट को तो आप कैसे काउंटर करें। तो योगी मोदी जी कह रहे थे मैं पिछला हूं। एक मिनट सुनिए, अभी अचानक याद आया, उदयवीर जी, संजय राय हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पहली बात तो यह है कि अभी उदयवीर जी, आदरणीय उदयवीर जी, हमारे मित्र जो है कि राजभर जी, दोनों लोगों ने कहा कि यह कैसे राज्यसभा में पास होगा, तो पहली बात है कि कांग्रेस ने इसमें जो है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री राज बब्बर जी ने खुल के समर्थन किया, और कांग्रेस एनसीपी और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियों ने घोषणा किया है कि हम इस बिल को पास होने के लिए समर्थन करेंगे सरकार का, कांग्रेस ने भी किया है, एनसीपी ने भी किया है, और आम आदमी पार्टी ने भी किया है। ठीक है, और हम हमारी पार्टी और भी कई पार्टियों से संपर्क कर रही है कि आप भी राज्यसभा में, लोकसभा में हमारा बहुमत है, पास हो जाएगा, राज्यसभा में कांग्रेस एनसीपी और आम आदमी पार्टी तीन ने समर्थन दे दिया है। ठीक है, जो हमारे साथ हैं शिवसेना है, ये सारे लोग समर्थन करेंगे जो है कि इसलिए हम इसको पास कराएंगे, और इस पर कांग्रेस ने इसमें बड़ा दिल दिखाया है कि हम जो है कि इस आरक्षण को, राज बब्बर ने कहा कि हम भी इसको लाना चाहते थे, हाँ। लेकिन हम इसको कुछ समस्याएं थी जिसके कारण नहीं हम नहीं कर पाए। ठीक है, और एक बात यह है कि हम इसको पास कराना उसके लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस तैयारी के तहत इसको पास कराएंगे। ठीक है, अरुण राजभर और अब आप सुनिए, आम आदमी पार्टी के हम समर्थन करेंगे। ठीक है, और इसलिए हम पास करा ले जाएंगे। प्रोफेसर साहब अब आप उलझिए नहीं आपस में, अरुण राजभर, अरुण राजभर रोज बोलते हैं, अरुण राज आप संजय राय आरक्षण होगा तो भी वही बोलेंगे, एक मिनट सुनिए, कोई भी बात होगी एक ही बात बोलते हो, पहले तो झूठ तो वही बोल दिया, एक मिनट सुनिए जरा, सुनिए प्लीज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सर, ये काउंटर में रह जाएंगे, हमारे बाकी जो गेस्ट हैं, जो हमारे अतिथि हैं, उनकी भी राय, उनकी भी बात बहुत जरूरी हो जाती है, हर बार डिबेट में होता है, आप डिरेल मत करिए डिबेट को, एक तरफा ना हो जाए। मैं प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगा सर, किस तरीके से आप आज के इस फैसले को ले रहे हैं जो आज की बड़ी खबर है, एक जवाब तो दे दें। नहीं मैं आऊंगा आपके पास, बोल रहे हैं वो, मैं आपके पास उदयवीर जी आऊंगा, प्लीज हैव अ पेशेंस, एक लाइन का सवाल, आई विल कम टू यू, प्लीज हैव अ पेशेंस जी। प्रोफेसर रविकांत जी कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेप को जो गवर्नमेंट फिलहाल कल सदन में दिखाई देगा, कल उस बिल को पेश करेगी संशोधन को? देखिए अभी जो बातें हुई
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा और राजभर साहब के द्वारा कि पहले तो 4.5 साल तक आप क्या करते रहे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो 10% आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका आधार क्या है। लेकिन इन दोनों बातों के अतिरिक्त जो बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत जोर देकर के कहना चाहता हूं कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान शैक्षिक और सामाजिक आधार पर है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि जिसको मन में आए उसको दे दीजिए। अगर यही करना है तो फिर जनसंख्या के आधार पर आप आरक्षण क्यों नहीं कर देते हैं? ये दरअसल मोहन भागवत जी को क्या याद नहीं है कि बिहार चुनाव के पहले क्या बोले थे और क्या हुआ था ये। और इसीलिए मैं बराबर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ये दोनों मनुवादी मानसिकता से लैस है, जो लगातार पिछड़े कौम को, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, या कैसे समाज के हो, उनको दबा करके रखना चाहते हैं, उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते हैं, और अब तो धक्का दे करके हाशिए के बाहर खींचना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि उसकी कोई ईमानदारी नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, संवैधानिक रूप से कोई आधार नहीं है। ठीक है, दो चीजें आपने कही। आप इसका संवैधानिक रूप से आधार नहीं है क्योंकि जो संविधान है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की बात करता है, और दूसरा ये कि आपके आपके जो इंटेंशन है उसको लेकर के भी सवाल है। आप वो कह रहे हैं कि कहीं आप जो SC ST हैं, OBC हैं, उनका हक मार रहे हैं। संजय राजी से भी राय लूंगा, लेकिन हमारे साथ अशोक सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, RSS थिंकर हैं। अशोक सिन्हा साहब, बहुत स्वागत आपका भी। और मैं सर आपसे ही समझना चाहूँगा, जो अप्रहेंशन अभी प्रोफेसर रविकांत जी ने रखे हैं इस मसले को लेकर के, क्या आप उससे मुतमइन हैं? क्योंकि मसला संघ से जुड़ा हुआ है, उन्होंने अभी भागवत साहब का भी नाम लिया है इसमें, गलत संदर्भ में नाम लिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो कि ये जो प्राविधान किया जा रहा है, ये संविधान में 15 अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन की आवश्यकता है इसके लिए, ठीक है, और यह संशोधन हो जाएगा सभी, अगर सभी मिलकर पास करना चाहते हैं तो। इसमें किसी का हक नहीं मारा जा रहा है, किसी का भी आरक्षण कम नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक अतिरिक्त रूप से जो अभी लाभान्वित नहीं है किसी भी प्रकार के आरक्षण से, परंतु गरीब है, और पिछड़ापन 3 कारणों से होता है, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, हाँ, और राजनीतिक पिछड़ापन, हाँ, तीनों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो वंचित समाज है, हाँ, उनको ये लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, स्वागत योग्य है। एक प्रश्न उठाया जा सकता है इसके समय पर, ठीक, और सबको आपत्ति सिर्फ समय की है। बहुत बढ़िया। दो चीजों इस बहस के दो भाग है, हाँ, एक तो कि ये गुणवत्ता युक्त है कि नहीं, यह समाज के हित में है कि नहीं, और अगर हित में है तो क्या यह समय उचित था, क्या यह चुनाव को देखते हुए नहीं किया गया है? तो आप राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल भाजपा, क्या बात है, वो हरिनाम जपने तो आई नहीं है, राजनीति ही करने आई है, हाँ, तो वो तो राजनीति करेगी, उससे आपत्ति लोगों को हो सकती है, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, परंतु यह सबके हित की बात है, हाँ, और यह जहां तक बात है कि इसमें आर्थिक रूप से तमिलनाडु, हाँ, में यह हुआ था एक बार कि वहां पर जो सवर्ण समाज है, हाँ, उसका जो प्रतिशत था वो 11-12% था, हाँ, परंतु मेडिकल कॉलेज और एजुकेशन में देखा गया कि सिर्फ 2.5% लोग ही उसमें जा पा रहे हैं। रंजीव जी के पास सीधे चलेंगे। रंजीव जी, मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ सर, अभी तक आपने पूरी बहस को देखा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये पहली बार ऐसा नहीं है, पहले भी राज्य स्तर पर या फिर केंद्र के स्तर पर भी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन जो सरकार थी उसमें भी कोशिश यह की गई थी 10% आरक्षण की, बाद में ये जो है सुप्रीम कोर्ट में ये टिक नहीं पाया ये फैसला। इसके पहले भी 2015 में राजस्थान राज्य सरकार ने भी कोशिश की, उसके अलावा जो है गुजरात सरकार ने भी 2016 में कोशिश की कोर्ट में, लेकिन टिका नहीं। अब मसला यह है कि क्या वास्तव में इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सिर्फ पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? क्या यही आधार बनाया जा रहा है जो विपक्ष है उसके जरिए? देखिए, मैं अभी अशोक जी की बात सुन रहा था और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक दल कोई भी होगा तो वो राजनीतिक लक्ष्य को निश्चित रूप से तय करके ही कोई कदम उठाएगा। हाँ, ठीक है। तो अगर ये 2019 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया कदम है, जैसा कि स्पष्ट है कि 2019 के चुनाव के लिए ही उठाया गया कदम है, बिल्कुल, तो इसमें मुझे लगता है कि ये राजनीति का तकाजा है और ये राजनीति हो रही है, हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी दल उसके सीधे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है, हाँ, यहां पर एक
एक एडवांटेज सरकार को मिलता है कि अगर वो बिल लेकर के आती है और वो राज्यसभा में जाता है तो एक स्थिति ये बनती है कि जहां पर कौन सा विपक्षी दल ऐसा होगा जो इसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि इसका एक बैकलेस होगा जिसकी नाराजगी हो सकती है। लेकिन ये विशुद्ध रूप से चुनाव के साल, अब आप देखिए ना कि आज शाम से ही जितने सारे मुद्दे थे, वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या राफेल का मुद्दा हो, अब वो पृष्ठभूमि में जाते हुए लग रहे हैं ना, अब ये एक मुद्दा मुखर होकर के आया है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का सरकार ने फैसला किया है, लेकिन और ये राजनीतिक कदम है, लेकिन ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल विधेयक आएगा, बजट के सत्र से पहले पास नहीं हो सकता है, और पास होकर कानून भी बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या संज्ञान होगा, और अंततः जनता की अदालत में क्या जनता का, अगर हम सवर्ण वोटरों की ही बात मान लें तो इसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया, जो वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण के बाहर बहुत बड़ा सवर्ण समुदाय रह जाएगा जिसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, वो उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी ये भी देखी जाने की चीज होगी। हाँ। कि क्या उसको तो नहीं लगेगा कि हमें दूसरों की कीमत पर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। हाँ। इसलिए इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाँ। कि ये राजनीतिक कदम है और राजनीति के लिए उठाया गया है, लेकिन ये क्या वाकई चुनाव में लाभ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक है। संजय राय, मैं बस एक बात कहूंगा। हाँ, एक छोटी बात। हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट में दो तरह का संशोधन सरकार लेके आ रही है। एक संशोधन है जो मूल संशोधन है अनुच्छेद 15 और 16 जिसमें आरक्षण की जिसके अंतर्गत व्यवस्था है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% की बाउंडेशन किया है। हाँ, और जो प्रैक्टिकली 49.5% आज देश में लागू है। हाँ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी जो है संशोधित हो सकता है सदन के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कानून बना के। तो दोनों तरह का संशोधन सरकार लेके आ रही है। हाँ, सरकार सभी विपक्षी दल से संपर्क में है, कोई भी पार्टी है सबसे सरकार निवेदन कर रही है, और उसमें हमको कांग्रेस, एनसीपी और जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल भी रहा है। उन लोगों ने इसका हमको किया है, कि हम सहमति दिया है कि हम जो है राज्यसभा में देंगे। और जैसा कि आदरणीय रंजीत जी ने कहा कि आरक्षण का ऐसा मुद्दा है कि इस पे कोई भी पार्टी पीछे नहीं हट पाएगी, आज भले कोई भी कुछ बोले बीजेपी के विरोध में, लेकिन वो जो है आरक्षण के विषय पर अंत में समर्थन करना ही पड़ेगा। भी आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा, आपकी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। वही कह रहे दो क्लेरिफिकेशन कर दूं। पहले मैं दो क्लेरिफिकेशन दे दूं। पहली बात तो संजय राय कह रहे हैं कि ये लोग हमारे समर्थन में है, कोई विपक्षी दल इनके समर्थन में नहीं है, आरक्षण के समर्थन में है, इनके में नहीं है, ठीक है। इन्होंने किसी से बात की हो तो बता दें कांग्रेस के किस नेता को विश्वास में लिया है, समाजवादी पार्टी के किस नेता को विश्वास में लिया है, बता दें। पहली बात। दूसरी बात, दो पैनलिस्ट ने कहा कि ये राजनीति से, ये जो है कि संजय राय उस पर रिएक्ट मत करिए, आप उनको बोलने दीजिए। का मतलब, हाँ उदयवीर जी बोलिए। राजनीति से प्रेरित का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है हम अच्छा काम करते हैं हमें मत मिलता है, नहीं करते नहीं मिलता है। हाँ। राजनीति से प्रेरित का मतलब होने का मतलब ये है कि चुनाव से पहले लाए हैं, चुनाव के बाद डब्बे में डाल देंगे। हाँ। जैसे पिछड़ों के बंटवारे नहीं, उसके नहीं, उदयवीर जी, उदयवीर जी अब जरा थोड़ा सा देखिए, और उन्होंने देखिए थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाइए। अब मेरा सवाल ये आपसे है कि ये तो कह रहे हैं ना कि कल हम इसको लोकसभा के पटल पर रख देंगे, अब उसमें समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा? अगर आप इसके पहले से आप अप्रेहेंशन लेकर के चलेंगे, आपका रुख क्या होगा इसमें? आप इसके साथ खड़े हैं या इसके विरोध में खड़े हैं? आप मुझे ये बता दीजिए। बताता हूं राज्यसभा और लोकसभा में केवल हां और ना में सवाल जवाब नहीं होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में पहले बिल पे चर्चा होती है, विपक्ष के सुझाव होते हैं, नहीं सुझावों को माना जाता है। क्लॉजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं उदयवीर साहब, सुन लीजिए पूरी बात। नहीं नहीं सर, अब फिर मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे कि आप हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आरक्षण के सवर्णों के 10% आरक्षण के मसले पर आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्लॉजेस छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है, हम क्लॉजेस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। सिंपल सी बात है, इसका सिंपल सा जवाब है। हाँ, इसका सिंपल सा जवाब है। हाँ, कि हम आरक्षण के पक्ष में जरूर हैं, ठीक, लेकिन जनगणना पहले होनी चाहिए, जनगणना के हिसाब से सबको उनके अनुपात के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए, तब गरीबों का ख्याल रखने की बात होनी चाहिए, ठीक है।
सवाल और जवाब पूरा डिस्कशन के बाद होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कहा मैं पिछड़ा हूँ तो पिछड़ों नहीं नहीं ठीक है साफ हो गया ना सर, साफ हो गया। अब आपने बता दिया, ठीक है। प्रोफेसर रविकांत आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रोफेसर रविकांत आप देखिए समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि आरक्षण को लेकर एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए सर। उदयवीर साहब भी कह रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर कोई सवाल नहीं है, सवाल उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के हो सकता है, वो कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको लेकर के हो सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आरक्षण पर कोई सवाल नहीं है। ये इस पे सीरियस नहीं है, ये मजाक कर उड़ा रहे हैं। हाँ ठीक है उदयवीर जी, हो गया प्रोफेसर रविकांत देखिए उदयवीर जी ने जो बात कही है उन्होंने अंत में ये भी कहा है कि जातिगत जनगणना हो जाए और उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि देश के संसाधनों पर किनका कब्जा है, किन अगड़ों का, किन पिछड़ों का, किन दलितों का कब्जा है। हाँ। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात अभी आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, केवल 4% सरकारी नौकरियां हैं। आप ठेकों में आरक्षण लागू करेंगे, आप न्यायालय में आरक्षण लागू करेंगे, आप खेलों में आरक्षण लागू करेंगे, आप निजी सेक्टर में लागू करेंगे। ये जो सरकार है वो बहुत बेईमान सरकार है, इसकी नियत साफ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये लगातार शूद्रों को जो इनका शूद्र उसको दबाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो अभी आपके पास एक बहुत बड़ा तबका है। राजन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि पसमानदा मुस्लिम है वो किस हालत में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आरक्षण कहीं भी अगर बढ़ता है तो उसको पहले पहल जो दोनों बातें मत करिए ना, एक तरफ आप कह रहे हैं एक तरफ उसमें ओबीसी है, दोनों बातें कर रहे हैं ना, एक तरफ सवर्णों के आरक्षण को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर आरक्षण देना है तो पसमानदा मुस्लिमों को दीजिए। ठीक है संजय राय थोड़ा आंसर दीजिए। आप शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं ईसाई संजय राय मुस्लिम उनको आरक्षण देने की जरूरत है, उनको पहले आरक्षण देने की जरूरत है, उनको पहले आरक्षण देने की जरूरत है। संजय राय कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं प्रोफेसर साहब ने, क्या आपको लगता नहीं कि वहां पर भी सेटिस्फाई करने की जरूरत है? मैं एकदम छोटा सा जवाब दीजिएगा ताकि अरुण राजभर आधे मिनट में पहली बात है भाई, एकदम छोटा जवाब हाँ। कि आज जी ने कहा है इलाहाबाद में बोला है हाँ। कि हम भी इसको लागू करना चाहते थे, कुछ कारणों से नहीं हुआ और हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात कि पूर्व में माननीय बहन जी भी कहती है, उदयवीर जी हम आपके बीच बात बोल रहे हैं। उदयवीर जी सुनिए एक मिनट जरा, उदयवीर जी मैं आपको नहीं डिस्टर्ब छोड़िए, आप बोलिए संजय जी बोलिए उदयवीर जी सुनिए सुनने की आदत बनाइए। उदयवीर जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, उदयवीर जी सुनिए ये बताइए, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ लेकिन आप गलत क्या क्या आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी 2012 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने चुनाव घोषणा पत्र में बोला था कि हम सवर्णों को आरक्षण देंगे, कहाँ गया वो? 2012 में अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव घोषणा पत्र में, वो कहाँ चले गए आपका घोषणा पत्र? आपने आरक्षण देने की बात किया था सवर्णों को, समाजवादी पार्टी को कहाँ चला गया? माननीय बहन मायावती जी बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि सवर्णों को हम गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, कहाँ चला गया वो आज कहाँ चला गया? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ये दोनों जो बार बार हर चुनाव में बोलते रहे हैं कि हम गरीब सवर्णों को आरक्षण देंगे, आज आरक्षण संविधान में आ गया, आज संसद में पेश हो गया, तो कहाँ आप क्यों नानी मर रही है समाजवादी पार्टी की? क्यों नानी मर रही है समाजवादी पार्टी की? आपको पता नहीं है उदयवीर जी, आपको पता नहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भोगना पड़ेगा, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को। ठीक है हो गया सर, एक डेढ़ मिनट इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को चुनाव में भोगना पड़ेगा। सवाल मेरा भी है प्रोफेसर रविकांत जी, अब छोड़ दीजिए, आपके सवाल के ही पास गया था तो उदय ठीक है सर, ठीक है उदयवीर जी एक मिनट, संजय राय एक मिनट उदयवीर जी सर प्लीज, देश का प्रोफेसर और ईसाई प्रोफेसर रविकांत जी
कि इस देश का नागरिक है कि नहीं है, उसके आरक्षण के लिए कब सरकार प्रावधान करेगी? उस स्कैटर्ड कर, ठीक है अरुण राजभर, ईसाई मुस्लिम, अरे अरे सर 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 प्लीज सुन लीजिए, इसका जवाब सुनो मिस्टर प्रोफेसर, मिस्टर प्रोफेसर साहब इसका जवाब सुनिए। देश में अल्पसंख्यक होने के नाते अनुच्छेद 30 में ऑलरेडी उनको उनको एक तरह का आरक्षण है। अनुच्छेद 30 में मुस्लिम ईसाई को जो भी अल्पसंख्यक है उनको एक तरह का आरक्षण मिलता है। शैक्षिक संस्थान खोलने में बहुत सारे, अब आप सुनिए तो सर, अब मेरी भी सुन लीजिए, आरक्षण नहीं मिल सकता। संजय राय, संविधान पढ़िए प्रोफेसर साहब, संविधान को पढ़िए प्रोफेसर रविकांत जी, आप जो प्रोफेसर हैं, बहुत मैं आपका सम्मान करता हूँ प्रोफेसर साहब, संविधान को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। सर उदयवीर जी प्लीज, उदयवीर जी यही बैठा हूँ। अरे प्रोफेसर साहब प्लीज रुकिए, संविधान पढ़ के ही बैठा हूँ। नहीं प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी बात है, आप अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप उदयवीर जी देखिए इससे इससे बोलने ही नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं संजय राय हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, आप लोग पांच लोग, संजय राय साहब हो गया, भाजपा के लोगों को बात भी नहीं कहने दे, संजय राय साहब हो गया, आपको बहुत टाइम मिल गया, जवाब है नहीं। उदयवीर जी लूट करना चाहते हैं, ठीक है सर, हो गया हो गया, अब मत उलझिए ना सर, आप लोग मत उलझिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अरुण राजभर, अरे सवाल एक लाइन का है आपने जो, ठीक है सर हो गया। अरुण राजभर आप एक लाइन का सवाल था, ठीक, किस भाजपा के नेता ने किस कांग्रेस के नेता से राय ली? अरे वो बता दिया उन्होंने, हो गया खत्म हो गया, उन्होंने तो बता दिया ना, राजबब्बर साहब भी उसके लिए तैयार, अरे प्रेस को बताया, अरे प्रेस को तो हम जवाब देंगे, ठीक है ना, तो बात तो फोरम, बात तो सामने आ गई ना। अरुण राजभर, अरुण राजभर पॉइंट पे बात करेंगे, अब टीवी पे उदयवीर जी, अरे सर कहां सर उलझ रहे हैं जी, इसको टीवी पे नहीं बताया जा सकता किससे हमारी बात हो रही है सरकार की। संजय राय जी इस तरीके से मत करिए, ये कोई कंपनी, ये राफेल राफेल जहाज की कीमत है क्या? बियॉन्ड द कवर, ये राफेल जहाज की कीमत है क्या नहीं बता सकते? सीक्रेसी एक्ट, संजय राय जी और उदय राय, उदयवीर जी कहा था कि नहीं, अखिलेश यादव ने सवालों को आरक्षण देने के लिए कहा था कि नहीं, ये बताइए, ठीक है, श्री अखिलेश यादव ने, श्री अखिलेश यादव ने कहा था कि नहीं कि सवालों को आरक्षण देंगे, इसका उत्तर दीजिए उदयवीर जी, इसका उत्तर दीजिए कि श्री अखिलेश यादव का वो जो घोषणा पत्र में बोले थे वो कहाँ चला गया? क्या ये एक मिनट रुके तो सर, सर आप रुकिए उदयवीर जी, एक एक जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, संजय राय ने भी सवाल उठाया कि क्या आपके घोषणा पत्र में 2012 में ये मेंशन नहीं था कि सवर्णों के आरक्षण की बात आपने की थी, आपने उसका जिक्र किया था घोषणा पत्र में? किया था और मैंने आज भी कहा है, हाँ, कि हमने सदन के अंदर ये भी तो क्या उसमें आपने उसमें आपने क्लॉज ये रखा था कि पहले जाति आधारित जनगणना हो जाए उसके बाद करेंगे हम आरक्षण जब लागू, आपने ये मेंशन किया था क्या? जब मेरी सरकार केंद्र में आती, नहीं आप अगर क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं उदयवीर जी, उदयवीर, हाँ मैं कर रहा हूँ उस समय जातिगत जनगणना चल रही थी, सुन लीजिए, चल रही थी उस समय भाई, हाँ उस समय जनगणना चल रही 2011 मांग की थी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ठीक है, फिर हमने सदन के अंदर मांग की थी इसको घोषित करिए, और मैं कोई वादा कर रहा हूँ उसको किस तरह पूरा करूंगा वो तो मैं लाऊंगा ना सदन के अंदर, मेरा तो आरोप यही है इनके पास कि अखिलेश जी की एक बात देखना, तो वही तो वो कर रहे हैं, वो कैसे पूरा करेंगे, वो लाएंगे सदन के अंदर, वो ला रहे हैं सदन के अंदर, नहीं ला रहे ना सदन में, वो तो सदन के अंदर लाए, लेकिन क्या कर रहे हैं कांग्रेस की राय से लाएंगे, ठीक है, कांग्रेस का सलाह लिए चलेगा। हाँ अरुण राजभर कुछ कह रहे हैं, अरुण राजभर बोलिए, अरे उदयवीर जी सुनिए तो, अरुण राजभर भी बोल रहे हैं कुछ, हाँ सदन सिर्फ कल तक चलेगा, हाँ, और सदन कल के बाद खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी सदन जब बजट सत्र का आएगा, हाँ, तो उसके बारे में वो सोचेंगे तो एक्सटेंड कर देंगे, बड़ा ये है कि हाँ, आरक्षण वास्तव में एक्सटेंड कर देंगे, सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक राजनीतिक रूप से गरीब कौन है, कौन पिछड़ापन है, कौन सबसे पीछे है जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहा है, आज जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज उत्तर प्रदेश सरकार के पास पड़ी है, आज वास्तव में अगर ये वास्तव में आरक्षण देना चाहते तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अब लागू कर देते और आरक्षण का लाभ शुरू कर देते, ठीक है, अब नौकरियां बची हुई नहीं है, अब 2000 हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये देखिए देखिए ये पॉइंट, अब आप अरुण राजभर की पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, संजय राय ये देखिए अरुण राजभर का एक पॉइंट आ रहा है, आप 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 आपके ऊपर ये कह रहे हैं, उसको पेंडिंग कर दिया, ठीक है अरुण राजभर पॉइंट मिल गया,
अरुण राजभर का ये कहना है कि नौकरियां आपने सरकारी नौकरियां रखी नहीं, चाहते हैं तो 4.5 साल में सर्वेक्षण करा लिया, ठीक है, तक सारी बातें सामने आपने आपने सर्वेक्षण पहले करवाना चाहिए था, आपने किया नहीं, नौकरियां आपने सरकारी नौकरियां कम कर दी, बेरोजगारों की स्थिति बहुत बदतर ग्राफ तक पहुंच चुकी है, अब आप आरक्षण ले आएंगे भी तो क्या हो जाएगा उससे? उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, ठीक है अरुण 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 आप बोलने दीजिए उन्हें, हो गया सर, ये पार्टी का, हाँ हाँ अरे यही संजय राय, संजय राय अरुण जी सुनिए, अरुण राजभर सुनिए, सवाल का जवाब भी सुनिए ना, हम उत्तर सवाल गया तो नौकरी दे रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती कर रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में जो है कि कई भर्तियां किया है, हम जो है कि काम कर रहे हैं, हम भर्तियां कर रहे हैं, केंद्र में हम रेलवे में अभी भर्ती निकाले हैं, केंद्र की सरकार ने निकाला है और सारी भर्तियां हो रही हैं। एक सवाल प्रोफेसर रविकांत जी ने खड़ा किया, नहीं नहीं वो सवाल को छोड़ दीजिए, आरक्षण सवाल संजय राय, क्यों क्यों चाहिए जब नौकरी ही नहीं है? संजय राय नौकरी नहीं है, लेकिन जो लोगों को आरक्षण मिला है वो लोग आरक्षण अवेल करते हैं ना, क्या क्या नौकरी नहीं है ये कह करके कोई देश में आरक्षण छोड़ रहा है क्या? ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप है जिसको आरक्षण मिला है जिसने कह दिया? अब आप दूसरा सवाल, क्योंकि नौकरी ही नहीं है, ठीक है, ये नौकरी है संजय राय, हो गया नौकरी ऑलरेडी, अभी जो है केंद्र सरकार ने जो है रेलवे में अभी बड़ी संख्या में नौकरी निकाला गया, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में भर्ती हो रही है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती हुई, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा लो उस शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती, नौकरियां हम दे रहे हैं, हम भर्ती कर रहे हैं और उस भर्ती में ही जो है कि जितनी भर्ती होगी उसमें उसमें 10% जो है वो गरीब सवर्णों को भी मिल जाएगा। जीएसटी लागू किया गया, अरुण जी भाषण देने आए हैं कि सवाल जवाब करने आए हैं? भाषण तो आप भी दे रहे हैं सर, एक मिनट रुकिए तो सही, नहीं सवाल जवाब आप, अरुण राजभर प्लीज, अरुण राजभर, अरुण राजभर, अरुण राजभर प्लीज, अरुण राजभर, संजय राय आप एक मिनट शांत होइए, क्यों नहीं बाहर जाते हो, इतनी खराब सरकार चल रही है, आर्थिक आधार पर, अरुण राजभर आप मुझे सुनिए, अरुण राजभर सरकार से बाहर क्यों, संजय राय एक मिनट सुनिए आप मुझे सर, खराब सरकार चल रही है इससे बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, रिजाइन करो बाहर जाओ, खत्म है, ठीक है, फालतू बात करते हैं, अशोक सिन्हा साहब, अशोक सिन्हा साहब किया था कि शिक्षा में, अशोक सिन्हा साहब ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम करेंगे, इस्तीफा दो, अशोक सिन्हा साहब मैं आपके पास आऊंगा सर, आपने अशोक सिन्हा साहब बहुत बड़ा भाषण दिया था कुछ नहीं कर पाए, अशोक सिन्हा साहब इस्तीफा दो, रास्ता ना पाओ मिस्टर अरुण जी, अशोक सिन्हा साहब, संजय राय एक बार शांत होंगे आप प्लीज, कुछ नहीं कर पाए संजय राय साहब, कर दिया मैं आपको बार बार, अरुण राजभर प्लीज सुनिए आप मेरी बात, एक महीने बाद, अरुण राजभर, संजय राय प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट, आप डेकोरम तो मेंटेन करिए, क्या मजाक कर रहे हैं सर आप, इतने गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चाय के ठेले पे खड़े होकर हम चर्चा कर रहे हैं, सर प्लीज आप लोग बहुत सीनियर लीडर हैं अपनी स्थापित पार्टियों के, ऐसे अगर डिबेट होगा तो फिर कैसे चलेगा? अशोक सिन्हा साहब मैं आपसे सर यही समझना चाहता हूं, जी देखिए बहुत सारे तर्क रखे गए, बहुत सारा कैओस हुआ, बहुत सारा हंगामा हो गया, लेकिन हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे जो कहीं कन्विंसिंग दिखता हो, ठीक है पॉलिटिकल, रंजीत जी ने कहा, आपने भी कहा कि ठीक है पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल स्टेप लेगी, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि पॉलिटिकल स्टेप आप लीजिए, आपका इंटेंट क्या है, इंटेंट सिर्फ पेन किलर दे देना है या इंटेंट आपको वास्तव में बड़े बदलाव के रूप में आप देखना चाहते हैं चीजों को, आप अपने गेन की बात कर रहे हैं या सोशल लेवल पर उसका एक बड़ा इंप्लीमेंटेशन हो? सवाल यह है कि अगर इसकी तैयार 10% आपको आरक्षण देना था तो आप तैयारी पहले से कर लेते, आप दूध के जले तब आप छाछ को फूंकना आपने शुरू कर दिया, सवाल इसलिए उठेंगे, फिर आपके इंटेंशन पे सवाल उठेंगे। सामाजिक समरसता के दृष्टि से देश में एकता स्थापित हो, जो गरीब है, वंचित है, पिछड़े हैं, किसान है, मजदूर है, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके बेटे आज नौकरी में नहीं पा रहे हैं, वो उनको कोई आरक्षण नहीं है, समझ रहे, ठीक है, ऐसे ही बहुत से मजदूर हैं जिनके बेटे ऐसे हैं जो कि नौकरी पाने योग्य हैं मगर उनको कहीं से कोई आरक्षण नहीं है। तो पहली बात तो कि एक इसमें जरा गौर देखिए, पहला बिंदु नंबर एक, किसी का भी जो वर्तमान आरक्षण है वो कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। नंबर दो, नए समाज को जो समाज में पिछड़े हैं उनको यह आरक्षण देने का प्रस्ताव है। तीसरा बात,
यह देश हित में है और लगभग सभी पार्टियों ने, मैं तो देख रहा हूँ उत्तेजना में लोग अपनी पार्टी लाइन के बाहर भी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था संसद में और यह प्रस्ताव रखा गया था जिसको नहीं पास हुआ था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो यह देश हित में समय समय पर सभी सरकारों ने प्रयास किया है और यह भी प्रस्ताव है, बड़े गंभीरता से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि देश हित में है तो मेरा समर्थन है और देश हित में नहीं है तो समर्थन नहीं है। दो टूके बात होनी चाहिए। अब जिनको जिनको मोदी फोबिया हो गया है वहाँ अपने पार्टी के लाइन के बाहर जाकर के निकाल ले रहे हैं। जो डॉक्टर हो गया है, जो क्लर्क हो गया है, वो आरक्षण छोड़ नहीं रहा है। अपनी बात नहीं करते मोदी पे। नहीं नहीं मुझे ये बताइए उदयवीर जी, उदयवीर जी जितने मंत्री होते हैं उदयवीर जी, उदयवीर जी मुझे उदयवीर मैं, अरे अरुण राजभर आप तो एकदम नॉन स्टॉप चलने लगते हैं सर। T18 अभी शुरू नहीं हुई है, T18 अभी आने वाली है। मैं उदयवीर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि साहब तैयारी करके आते, क्लॉजेस बता देते, लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लेते। आपने जब अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया कि हम सवर्णों को आरक्षण देंगे, आपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया क्या? आपने ये राय समझने की कोशिश की लोग क्या, लोगों की क्या मांग है? दूसरा, क्या आपने तैयारी की? आपने सिर्फ ये लाइन लिख दी या फिर आपका इंटेंट वास्तव में था कि हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है और किस रूप में करना है? तैयारी आपकी भी तो होनी चाहिए। मैं अपनी बात मैं बता सकता हूँ। जब हम अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा करते हैं तो हम अपने दल में राय मशवरा करके मैनिफेस्टो कमेटी में तय करके रखते हैं, ठीक है, और जब हम उसे लागू करने के लिए सदन में ले जाते हैं तो उसका बिल तैयार होता है, लोगों की ऑल पार्टी मीटिंग होती है, लोगों से सलाह मशवरा होता है, सदन के अंदर डिस्कशन होता है, सदन के अंदर ऐसी सेलेक्ट कमेटीज बनी है जिनमें बिल चला जाता है, उनमें सब दल के लोग होते हैं, उसमें राय मशवरा होता है, उसके बाद पास होता है, ठीक। ऐसा नहीं होता, मैनिफेस्टो की बात अलग है और इसकी बात अलग है। आप ये कह रहे हैं ये लागू हो गया और अगला दिन एक दिन का सदन है, आज हम इसे लागू, मतलब मैनिफेस्टो में आप कुछ भी कर देंगे लेकिन बाद में आप उसका फॉलो करते हैं प्लान बना करके मैनिफेस्टो में आप, नहीं, मैनिफेस्टो में हम जो कहेंगे, मैनिफेस्टो में हम कहेंगे उसे लागू नहीं करेंगे तो जवाब देंगे। मैनिफेस्टो में मैंने कहा था मेरी सरकार आई होती मैं लागू नहीं कर पाता, मैं जवाब देता, ठीक है। आप लागू कर रहे हैं, अब आपको आप तो उनके साथ में खड़े हो जाइए, आपकी सरकार, ठीक है। रंजीव जी लास्ट कमेंट आपसे, सर मैं आपसे कह रहा हूँ रंजीव जी, आप लास्ट कमेंट, वी आर से खड़ा नहीं हुआ मैं, ये जो है मैं लास्ट में आ रहा हूँ, लॉलीपॉप है जनता को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को बांटने का प्रयास है और आरएसएस के लोग कहते हैं कि जब मर्जी आए बांटने से, रंजीव जी से लास्ट में उदयवीर जी, राष्ट्रवाद की बात करने आए, इकट्ठे करने की बात आए, ठीक है, इकट्ठे करने लगो, चलिए आरएसएस और बीजेपी दो लोग, रंजीव साहब मैं लास्ट कमेंट आपसे जाऊंगा, उदयवीर जी ने बहुत समय ले लिया, उदयवीर जी थैंक यू सर, थोड़ा सा कमेंट रंजीव जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहूंगा, हाँ बोलिए सर, बहुत संक्षेप में सिर्फ मैं इतना कहूंगा दो तीन चीजें। पहली चीज ये कि अगर थोड़ा और वक्त लेकर इसको लाया जाता, थोड़ा समय से पहले लाया जाता तो शायद अच्छा होता, ठीक है। चुनाव से 100 दिन पहले इसको लाने से एक संदेश अच्छा नहीं गया, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इसकी मंशा राजनीति करना है। दूसरी चीज कि अगर समाज के किसी एक तबके को जिसको लगता है कि आरक्षण से लाभ होगा वो मिलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ चुनावी शोर में दबके न रह जाए, ये अपने मुकाम तक पहुंचे, ये तभी इसका लाभ मिलने वाला है, लोगों को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और संसद का सत्र, बजट का जो सत्र होगा उसी में ये पास हो पाएगा, इसलिए ये जब तक पास नहीं हो जाता है और कानून का शक्ल अख्तियार नहीं कर लेता है तब तक हम कयास ही लगा सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा है, विपक्ष की क्या मंशा और क्या वस्तुतः लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिनको लक्ष्य बना करके ये कानून में संशोधन करने की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव साहब आपका, बहुत स्पेसिफिकली आपने इस बहस को उस अंजाम तक पहुंचाया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे उदयवीर साहब समाजवादी पार्टी से, संजय राय साहब बीजेपी से, अरुण राजभर SBSP से, और प्रोफेसर विकांत हमारे साथ थे दलित चिंतक के तौर पर, और अशोक सिन्हा साहब थे RSS चिंतक के तौर पर। चर्चाएं ऐसी चलती रहेंगी और आरक्षण का मसला इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि इसको लेकर के सियासत भी अपने रफ्तार से चलती है। यहाँ पर भी कुछ गर्मागर्मी हुई, कुछ बहस मुबाहिसे के बीच में अगर कुछ हासिल हुआ हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस स्टेप से कहीं ना कहीं सियासी तौर पर विपक्ष के पास भी अब इस पर रिएक्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए, कैसे रिएक्ट करें और किस तरीके से इस पर हाँ और ना से आगे बोला जाए। और दूसरा ये
कि सत्ता पक्ष, जाहिर सी बात है केंद्र ने अपने तरीके से 2019 की एक बड़ी चाल तो चल ही दी है, एक बड़ी लकीर तो खींची है।